दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिंदास खबरें में। आज 18 जून 2020 की देश और दुनिया की जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में देखेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,59,506 पहुंच गई है। अच्छी बात ये है कि 1,90,755 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात ये है कि 12,029 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की तो विश्व में 83,10,293 नए मामले सामने आए हैं, परंतु अच्छी बात ये है कि 43,52,027 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 4,47,363 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। या दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की चीन को दो टूक, कोई भ्रम ना पाले, देंगे माकूल जवाब, बेकार नहीं जाएगी शहादत। या दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने में हमें कोई भी रोक नहीं सकता। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में माकूल जवाब देने में सक्षम है। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम उकसाने पर उचित जवाब देना जानते हैं। हर मौके पर हमने अपनी अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। हमने हमेशा वक्त पड़ने पर अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, साथ ही वीरता भी हमारे चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी बोले, लॉकडाउन की अफवाहों को दरकिनार करके अनलॉक 2 की योजना बनाए राज्य सरकारें। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3.5 लाख के पार हो चुका है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अब लॉकडाउन की अफवाहों को छोड़कर अनलॉक 2 की योजना बनाने की आवश्यकता है। ये दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे दिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अनलॉक 1 को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा टेस्टिंग क्षमता को भी पूरा उपयोग किया जाना चाहिए, साथ ही इसे बढ़ाए जाने का प्रयास भी लगातार किया जाना चाहिए। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से टेंशन के बीच तीनों सेना अलर्ट, बॉर्डर पर बढ़ाई गई है जवानों की संख्या। ये दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में भारत चीन सेना के बीच हुई झड़प के बाद जल थल और वायु सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। सूत्रों के मुताबिक चीनी नौसेना को कड़ा संदेश भेजने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना भी अपनी तैनाती बढ़ा रही है। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की हुई बैठक में लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सेना ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में LSE के साथ ही अपने सभी प्रमुख फ्रंटलाइन ठिकानों पर अतिरिक्त जवानों को रवाना कर दिया है। वायुसेना ने पहले से ही अपने सभी फॉरवर्ड लाइन बेस में LSE और बॉर्डर एरिया पर नजर रखने के लिए अलर्ट स्तर बढ़ा दिया है। सूत्रों ने कहा है कि चीनी नौसेना को कड़ा संदेश भेजने के लिए हिंद महासागर में नौसेना भी अपनी तैनाती बढ़ा रही है। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो चीन ने किया उसको उसका मुंहतोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आर्थिक मोर्चे पर चीन की नई चाल, भारत की फार्मा इंडस्ट्री की बड़ी मुश्किलें। ये दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। इस माहौल में भारत की दवा कंपनियों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल बीते कुछ वक्त में दवा कंपनियों की चीन से आयात की लागत बढ़ गई है। चीन के सप्लायर्स ने सक्रिय दवा सामग्री के अलावा कुछ दवा की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स ऑयल्स के महासचिव सुदर्शन जैन के मुताबिक कीमतों में करीबन 20% तक का इजाफा हुआ है। जानकारों की माने तो इसका असर दवा उद्योग पर पड़ने की उम्मीद है। हाल ही में चीन से आयात किया गया एक अन्य उत्पाद पैरासिटामोल है, जिसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन से बढ़ते तनाव के बीच सीमा पर सड़कों के निर्माण में तेजी लाएगा भारत, भेजेगा 1500 मजदूर। ये दोस्तों आपको बता दें कि LSE पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सीमा पर सड़कों के निर्माण में और तेजी लाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय में बुधवार को बड़ी बैठक हुई। बैठक में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO, ITBP, आर्मी और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि इंडो चाइना बॉर्डर रोड यानी कि ICBR फेज 2 के तहत 32 सड़कों का निर्माण भारत चीन की सीमा पर होना है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण को और ज्यादा गति दी जाएगी। सड़कों के निर्माण के लिए 1500 मजदूरों को लेह और लद्दाख में भेजा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें
कि आज भी गृह मंत्रालय में भारत और चीन सीमा की सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक होगी। दोस्तों आपको बता दें कि सीमा पर बन रही सड़क पर चीन आपत्ति जताता रहा है। कई दफे चीनी सैनिकों ने निर्माण कार्य रोकने की कोशिश भी की है और झड़पें भी हुई हैं। लेकिन चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए भारत ने सड़क निर्माण का कार्य और तेज करने का फैसला लिया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारत चीन तनाव के बीच पीएम मोदी ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, राजनीतिक दलों के अध्यक्ष होंगे शामिल। ये दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद पैदा हुए हालातों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री के दफ्तर की ओर से यह जानकारी दी गई है। पीएमओ ने ट्वीट करके कहा कि भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि सीमा पर जो कुछ हुआ उसके लिए हम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम सभी 20 जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार हैं। पीएम जो भी फैसला लेंगे सभी पार्टियां उसका समर्थन करेंगी, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि क्या गलत हुआ है। ऐसे में अब पीएम मोदी ने मामले के बारे में सभी राजनीतिक दलों को जानकारी देने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लद्दाख में झड़प के बाद चीन को सबक सिखाएगा भारत, रद्द हो सकता है दिल्ली मेट्रो RRTS प्रोजेक्ट। ये दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में LSC पर भारत चीन सेना के बीच में हुई झड़प के बाद दोनों देशों में तनातनी बढ़ गई है। LSC पर जारी तनातनी के बीच भारत चीन पर कड़े आर्थिक फैसले ले सकता है। भारत में कई चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन पर कड़ाई हो सकती है। उन प्रोजेक्टों को रद्द किया जा सकता है जिनमें चीनी कंपनियों ने करार हासिल किए हैं। इनमें से एक है मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट जिसकी बिड चीनी कंपनी ने हासिल की है। ये दोस्तों आपको बता दें कि चीनी सीमा पर विवाद के बाद भारत सरकार ने उन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा शुरू कर दी है जो चीनी कंपनियों को दी गई है। इसमें दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट भी है। सरकार की ओर से बिड को कैंसिल करने के लिए सभी कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। माना ये जा रहा है कि इस बिड को सरकार रद्द कर सकती है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर कैंसिल करने की मांग, SC ने CBSE से मांगा है जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि CBSE की 12वीं की बची हुई परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित किए जाने के खिलाफ कुछ अभिभावकों ने याचिका डाली थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से महामारी संकट के दौरान परीक्षा से छात्रों की सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर जताई गई आशंका पर बोर्ड से जवाब देने को कहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 जून को अगली सुनवाई करेगा। ये दोस्तों आपको बता दें कि CBSE बोर्ड ने हाल ही में फैसला लिया था कि बोर्ड अपने बचे हुए एग्जाम को 1 से 15 जुलाई के बीच में करवाएगा। CBSE बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ कुछ पेरेंट्स ने 10 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिससे कि एग्जाम पर स्टे लगाने की मांग की गई थी। ये दोस्तों आपको बता दें कि पेरेंट्स ने अपनी याचिका में खास तौर पर महामारी के संक्रमण से बढ़ते खतरे का जिक्र किया है। पेरेंट्स का तर्क है कि एम्स के डेटा के अनुसार महामारी आने वाले समय में भारत में अपने चरम पर होगा। ऐसे में परीक्षाएं कराना बच्चों की सेहत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह दोस्तों आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने CBSE से बची हुई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने पर विचार करने के लिए कहा है और साथ ही ये कहा है कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर देने के बारे में सोचे। यह दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रद्द पैन कार्ड का किया इस्तेमाल तो चुकाने होंगे 10,000 रुपए, जानिए क्या है ये जरूरी नियम। यह दोस्तों आपको बता दें कि पैन और आधार को लिंक नहीं कराने वालों को दुगनी मार पड़ना अब तय है। पहला, उनका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और दूसरा, रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं करेंगे तो उन्हें 10,000 रुपए बतौर जुर्माना भरना होगा। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 है। इस तारीख के बाद लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ने साफ कर दिया है कि इस बार तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि इसमें एक शर्त तय की गई है, शर्त का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि पैन कार्ड रद्द होने के बाद में उसे दोबारा से ऑपरेटिव किया जा सकता है, लेकिन इस बीच रद्द पैन कार्ड का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत उल्लंघन माना जाएगा। इसमें पैन कार्ड धारक को 10,000 रुपए बतौर जुर्माना भरना होगा। अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि फ्लिपकार्ट 90 मिनट के अंदर आपके घर पहुंचाएगी सामान। ये दोस्तों आपको बता दें कि ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट आपके घर पर सामान की डिलीवरी सिर्फ 90 मिनट में कर देगी। इसके लिए कंपनी एक अलग बिजनेस सेगमेंट शुरू करने की तैयारी में है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत कंपनी लोकल स्टोरों से संपर्क करके ग्रोसरी सर्विसेज से इसकी शुरुआत करेगी। सूत्रों की माने तो यह सर्विस 1 महीने में लॉन्च हो सकती है। यह दोस्तों आपको बता दें कि 90 मिनट में आपके घर तक सामान पहुंचाने के लिए कंपनी लोकल स्टोरों और अपने केंद्रों का सहारा लेगी। इस सुविधा के साथ ही कंपनी हाइपर लोकल सेगमेंट में उतरना चाहती है। रिलायंस की जियो मार्ट और अमेजन जैसी
कंपनियों के इस सेगमेंट में उतरने से कंपटीशन काफी बढ़ गया है। ऐसे में फ्लिपकार्ट खुद को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली समेत 5 राज्यों में रेलवे ने लगाए 960 आइसोलेशन कोच। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच में इलाज और देखभाल की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने 5 राज्यों में 960 आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं। इनमें से 503 कोच राजधानी दिल्ली के 9 स्टेशनों पर तैनात किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार खराब होती स्थिति को काबू करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने गत दिनों 500 से ज्यादा आइसोलेशन कोच तैनात करने की घोषणा की थी। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे अधिकारियों ने बुधवार को बातचीत में बताया कि दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के 7 प्लेटफॉर्म पर ऐसे 267 कोच लगाए गए हैं। इसके अलावा शकूर बस्ती और सराय रोहिला स्टेशनों पर 50-50, दिल्ली कैंट में 33, आदर्श नगर में 30, सफदरजंग में 21, तुगलकाबाद और शाहदरा में 13-13 और पटेल नगर में 26 कोच लगाए गए हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि सभी कोच गुरुवार तक मरीजों के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी संक्रमित मरीजों का होगा दिल्ली के 5-स्टार होटलों में इलाज। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते महामारी को देखते हुए अब सरकार ने 5-स्टार होटलों में संक्रमितों के इलाज के लिए अधिग्रहण कर लिया है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित सूर्य होटल को होली फैमिली हॉस्पिटल के साथ अटैच किया गया है। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को इस होटल का दौरा करके व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा सर गंगाराम हॉस्पिटल के साथ स्टार होटल ताज मानसिंह को अटैच किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।